और ये हो सकता है, हमने करके दिखाया है, कई लोग हमारे अपने साथ हमारे साथ है, उन्होंने करके दिखाया है, कहीं बोल के खाली भाषण नहीं दिया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करके अपना अपने कर्तृत्व से समाज का विकास, देश का, देश के विकास में अपना अपना छोटा सा शेयर दिया हुआ है, और ये हो सकता है। सभी ने आना है, राजनीति सही करना है, यही मेरा सभी से अपील है। संस्कार वाले लोगों को कहता हूँ, राजनीति गंदी नहीं है, अच्छे लोग, जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे तो वो तो वैक्यूम भरेगा, बुरे लोगों से भरेगा, तो इससे बेटर अच्छे लोग यहाँ आए और समाज के बारे में, देश के बारे में सोचे, देश को ऊंचा, देश का सम्मान करने के लिए जो जो कुछ काम हम समाज का करें, उससे देश का नाम बढ़ेगा और दुनिया में भारत फिर एक बार विश्वगुरु बनाने के लिए हम सभी को अपील करते हैं कि आए, अच्छे लोग राजनीति में आए, अच्छे राजनीति करें और समाज का भला करें, देश का। ये हम नेशनल गेम का इंतजार कई सालों से कर रहे थे, लेकिन ऐसे एक एक के बाद एक अड़चने आने लगी, बाद में उसमें कोविड आएगा, तीन साल तो ऐसे ही गए। फिर जब करने का मौका है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा किया है, क्या हुआ है, पूरा तैयारी उसकी है, लेकिन अभी गुजरात के चुनाव था इसलिए वो इसके 36 वाली जो नेशनल गेम है गुजरात में हो गई, और उन्होंने वादा किया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि अगले आप करो, वैसा उन्होंने हमको दे दिया है, मैं उनका आभारी हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह से एक दोष हमारे खिलाड़ियों में, हमारे ऑर्गेनाइजर में है कि हम गोवा छोटा हो लेकिन इस बढ़िया से बड़ी नेशनल गेम्स में करके दिखाएंगे, और यही हौसले से हम आगे बढ़ रहे हैं, और निश्चित तौर से इस बार भारत को भी इस अपने गोवा हो या पूरे भारत में, गोवा भी इसमें नेशनल गेम में चमके। तो आज जो सरकार चल रही है और आप जो सब कुछ विकास दे रहे हैं, देख रहे हैं, ये तो मोदी जी ने जिस तरह से गोवा को मदद की, करोड़ों रुपया यहाँ हाईवे, वो बाकी कुछ इंस्टीट्यूशन हो, और तरह तरह के इसमें हेल्थ की व्यवस्था हो, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, मेरा जो मैंने जो आयुष ऑल इंडिया आयुष बनवाया, कम से कम 300-325 करोड़ का प्रोजेक्ट आज चालू है, ऐसा डेवलप ने केंद्र सरकार ने बहुत मदद की, और वो मदद हो सकती है, लेकिन वो मदद ठीक तरह से करने वाला भी हाथ यहाँ चाहिए, वो प्रमोद जी यहाँ है, कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और हम उसको साथ दे रहे हैं सर। इसमें गोवा की जनता को हर तरह की सुविधा जैसे मिले, और गोवा एक छोटा सा स्टेट है, लेकिन गोवा के वर्ल्ड का एक टूरिज्म सेंटर भी है, हर एक वर्ल्ड का आदमी यहाँ आना चाहता है, तरह तरह के कॉन्फ्रेंस यहाँ होते हैं, ये तो एजुकेशनल भी हब आगे बनने वाला है, हेल्थ हब भी बनने वाला है, इस तरह की कैपेसिटी गोवा में है, और डॉक्टर प्रमोद सावंत अच्छे से संभाल रहे हैं। मोदी जी ने जिस तरह से आयुष मंत्रालय को सपोर्ट किया, इन्हीं सपोर्ट के कारण हमने दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा वहाँ सविता विहार में शुरू किया, पूरे कोई ने उन्होंने पूरे दिल्ली पुलिस को उन्होंने जो कुछ मदद करनी थी वो की, जो एडमिट वहाँ हो रहे थे एक की भी डेथ उसमें नहीं हुई। आज कम से कम 2000 से ज़्यादा ओपीडी में लोग वहाँ आते हैं और लोगों को सही रूप से दवा मिलती है, सही रूप से उपचार मिलते हैं। इसके बाद में मैंने गोवा में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट खोला, ये अभी शुरू हो गया, कॉलेज शुरू हो गई, ओपीडी शुरू हो गई है। नरेला में हमने होम्योपैथी के लिए इंस्टीट्यूट खोला, गाजियाबाद में हमने यूनानी के लिए इंस्टीट्यूट खोला, उसका इनॉग्रेशन भी कर दिया, वहाँ काम चल गया, और पूरे देश में कम से कम 120 से ज़्यादा हमने 50-bedded हॉस्पिटल के लिए फंडिंग किया, अभी कई पूरे हो गए हैं, वहाँ काम चालू है। क्योंकि हम कहते हैं कि आप आयुष अपना लो, यूज करो, तो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो पहले होना चाहिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हर जिले में एक 50-bed का हॉस्पिटल करने का संकल्प हमने किया था, ये इतने हॉस्पिटल 120 से ज़्यादा हॉस्पिटल हो गए, आगे ये भी चालू रहेगा, और पूरे हिंदुस्तान में आयुष की पैथी को लोग आज अपना रहे, ये बहुत खुशी की बात है। हम कुछ ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाए, लेकिन एक क्या बोलते हैं, कई बोलते हैं तानसेन तो नहीं, लेकिन कानसेन तो है, सुनना पसंद करते हैं। भारत का पहला आयुष मंत्री करके ये जो मुझे जो कुछ सम्मान मिला है, और ये अंतरंग से अंदर से जो कुछ काम करने का कि हमारी पैथी
और इससे सबका पूरे दुनिया का भला हो जाएगा, यही सोचकर जो काम करने का जो हौसला मिला पूर्वजों ने, जो कुछ हमारा खाली हमारे देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए सब कुछ रखा हुआ है। माननीय मोदी जी सत्ता में आने के बाद तुरंत ही उन्होंने योगा को वर्ल्ड वाइड कर दिया। योगा एक ऐसी सॉफ्ट पावर है और वो पूरा पूरी दुनिया आज मानने लगी है, पूरी दुनिया आज वो योगा कर रही है और स्वस्थ स्वस्थ हो रही है। ये भारत की दुनिया के लिए एक बड़ी देन है। इसी तरह से उसके पीछे पीछे आयुर्वेदा, ये हमारे पूर्वजों की देन है, जो हर एक को तंदुरुस्त हमारी संस्कृति देखना चाहती है, और इसलिए आयुर्वेदा बाकी जो आयुष की पेथी है उसको पूरे दुनिया में योग के पीछे पीछे फैलाना, यही अपना मकसद था। नमस्कार, मैं विजय, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। गोवा एक नाम को बड़े सरलता और सहजता से जानता भी है और मानता भी है, और राजनीति का यही सबसे बड़ा परिणाम होता है कि जब इंसान अपने कार्यों की एक ऐसी पंडिती लिखता है जिसको आम आदमी बोलता है कि नहीं वाकई वो सच्चे इंसान है। और उस सच्चे इंसान के साथ एक और तस्वीर जुड़ी है कि गोवा में अगर भाजपा का नाम लोग लेते हैं तो उनमें से एक नाम श्रीपद नाइक जी का है। सरपंच से लेकर आज जलमार्गों, नौवहन और अलग अलग विभागों के साथ पर्यटन का जिम्मा संभाल रहे केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपद नाइक जी एक ऐसे चेहरे हैं जो गोवा की संस्कृति और गांव कूचे में बस रही अपनी जीती जागती तस्वीर को पेश करते हैं। लोकल न्यूज ऑफ इंडिया में सबसे पहले आपका स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद जी। तो एक सरपंच से शुरू हुई लड़ाई आज देश की लड़ाई लड़ रही है, तो कैसे कैसे तय किया आपने यह यात्रा पूरी? ऐसे तो मैं मानता हूं ये मैं इसे उसके लड़ाई के रूप में नहीं देखता हूं, समाज की सेवा इसी रूप में जो कुछ हम कर रहे हैं तो इसी रूप में उसको देख रहा हूँ। और जहाँ जहाँ हम गए, जहाँ जहाँ खड़े रहे, वहाँ की जनता ने, जैसा आपने कहा, जो पंचायत के मेंबर बने बहुत साल पहले, उसके बाद भी एक साल के अंदर तुरंत सरपंच भी बने, ये सब लोगों के आशीर्वाद है। और जो कुछ हमारी ओर से जो कुछ हम कर पाए उन्हीं के आशीर्वाद के कारण, इसमें हमारा जितना छोटा सा शेयर है उतना उनका, जनता का, मतदाताओं का सबसे बड़ा शेयर है। उनके प्रोत्साहन से, उनके आशीर्वाद से ये सब हो गया। पंचायत के बाद विधायक के रूप में 5 साल यहाँ काम किया, 9 साल, 10 में से 9 साल तो मैं सरपंच था। और उसी वक्त में अनअपोज, कोई कंपटीशन वहाँ नहीं था, इसलिए मैं कहता हूँ कि सेवा भाव के रूप में हमने वो देखा, गांव की सेवा की, लोगों ने ऊपर भेज दिया कॉन्स्टेंसी की, गोवा की सेवा की। और उसके बाद में नेतृत्व ने बोला आपको लोकसभा लड़ना है, और वो 1999 से अभी 5वीं बार लोगों ने फिर एक बार बहुत मार्जिन से जीता के दिल्ली भेज रहे हैं। ये तो जनता के बाद भगवान के आशीर्वाद, ऐसा मैं मानता हूँ। और ये जो काम करने का जो स्फूर्ति है, जो कुछ ताकत है, तो उन्हीं से ही मिलती है, और ये उनका ही सब कुछ देन है, ऐसा मैं मानता एक बड़ी बात है, यही सरलता शायद आपके नैतिक कामों की एक अलग हो है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उन लोगों में शुमार हैं जिन्होंने अटल वाली भाजपा में भी मंत्री का पद निभाया और अब मोदी जी की भाजपा में भी निभा रहे हैं। मैं अटल जी और मोदी जी की बात इसलिए कर रहा हूं कि अटल जी ने भाजपा का एक सपना देखा था और मोदी जी ने उस सपना को पूरा कर दिया। तो कैसा लगता है सपने की यात्रा और फिर उसके पूरा होते हुए यात्रा बतौर सांसद? ये हम सब भाग्यशाली है कि जो विचार लेके हम राजनीति में आए थे, यानी
कैसे भी आए लेकिन आए। और जो राजनीति का एक जो जैसा सपना था कि हमारा देश फिर एक बार इस दुनिया का गुरु बने, हम पूरी दुनिया की हमारे देश की ओर से सेवा कर पाए, अपने पैरों पर हर नागरिक अपने पैरों पर खड़ा रहे और जो जो कुछ बुरे आदतें हैं वो सब जानी चाहिए, यही इच्छा लेके आए थे। जैसा आपने कहा अटल जी ने जो सपना देखा था, और हम इसलिए भाग्यवान है ये सपना देखा था और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यकाल में ये सपना पूरा होते जा रहा है। और इस बीच में इसी नाव में हम भी है, ये गौरव की बात है। और ये सब करने के लिए हमारा भी थोड़ा सा शेयर जो है हम दे पाए, ये बहुत गौरव की बात हम मानते हैं। ये बड़ी बात है। जब दुनिया महामारी में लड़ रही थी तब उस समय आप आयुष मंत्रालय को बड़े तगड़े तरीके से संभाल रहे थे, तो आपने वो दौर देखा जब चारों तरफ अफरा तफरी मची पड़ी थी, क्या दिमाग में आया कि आयुष मंत्रालय का क्या ऐसा काम हो जो आज सब देख रहे हैं जी? तो उस समय ये जो ताना बाना आपने बुना, इसके पीछे की रणनीति क्या थी? ये तो हमारे पूर्वजों ने जो कुछ हमारे खाली हमारे देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए सब कुछ रखा हुआ है। माननीय मोदी जी सत्ता में आने के बाद तुरंत ही उन्होंने योगा को वर्ल्ड वाइड कर दिया। योगा एक ऐसी सॉफ्ट पावर है और वो पूरी दुनिया आज मानने लगी है, पूरी दुनिया आज वो योगा कर रही है और स्वस्थ स्वस्थ हो रही है। ये भारत की दुनिया के लिए एक बड़ी देन है। इसी तरह से उसके पीछे पीछे आयुर्वेदा, ये हमारे पूर्वजों की देन है जो हरेक को तंदुरुस्त हमारी संस्कृति देखना चाहती है और इसलिए आयुर्वेदा बाकी जो आयुष की पेथी है उसको पूरे दुनिया में योग के पीछे पीछे फैलाना, यही अपना मकसद था। और इसलिए जब एक नया मंत्रालय माननीय मोदी जी ने बना दिया और उसका कारोबार मेरे हाथ में दिया, मैं भाग्यशाली समझता हूँ कि भारत का पहला आयुष मंत्री करके ये जो मुझे जो कुछ सम्मान मिला है। और ये अंतरंग से अंदर से जो कुछ काम करने का कि हमारी पैथी और इससे सबका पूरे दुनिया का भला हो जाएगा, यही सोचकर जो काम करने का जो हौसला मिला। और आप देखते हैं कि कोविड काल में जिस तरह से भारत ने हमारे देश ने बाकी कई 100 से ज़्यादा देशों को मदद की, हमने अपना अपना मेडिसिन या प्रिवेंटिव मेडिसिन भेजा, ये सब आप जानते हैं और लोगों का डिमांड था। आज भी लोग चाहते हैं कि हमारी आयुष की पैथी वहाँ चले और हम उनको मदद करेंगे, हम करते ही जा रहे हैं। कहने का मतलब कि जो सही है अच्छा है वो समाज को देना दुनिया को देना, ये अपना हम कर्तव्य समझते हैं और इसी कर्तव्य पथ पर हम आगे चल रहे हैं। और मुझे बहुत कहने में खुशी होती है कि माननीय मोदी जी ने जिस तरह से आयुष मंत्रालय को सपोर्ट किया, इन्हीं सपोर्ट के कारण हमने दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा वहाँ से सविता विहार में शुरू किया। पूरे कोई ने उन्होंने पूरे दिल्ली पुलिस को उन्होंने जो कुछ मदद करनी थी वो की, जो एडमिट वहाँ हो रहे थे एक की भी डेथ उसमें नहीं हुई। आज कम से कम 2000 से ज़्यादा ओपीडी में लोग वहाँ आते हैं और लोगों को सही रूप से दवा मिलती है, सही रूप से उपचार मिलते हैं। इसके बाद में मैंने गोवा में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट खोला, ये अभी शुरू हो गया, कॉलेज शुरू हो गई, ओपीडी शुरू हो गई है। नरेला में हमने होम्योपैथी के लिए इंस्टीट्यूट खोला, गाजियाबाद में हमने यूनानी के लिए इंस्टीट्यूट खोला, उसका इनॉग्रेशन भी कर दिया, वहाँ काम चल गया। और पूरे देश में कम से कम 120 से ज़्यादा हमने 50 बेड हॉस्पिटल के लिए फंडिंग किया, अभी कई पूरे हो गए हैं, वहाँ काम चालू है। क्योंकि हम कहते हैं कि आप आयुष अपना लो, यूज़ करो, तो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो पहले होना चाहिए।
इंफ्रास्ट्रक्चर हर जिले में एक 50 बेड का हॉस्पिटल करने का संकल्प हमने किया था। ये इतने हॉस्पिटल 120 से ज़्यादा हॉस्पिटल हो गए, आगे ये भी चालू रहेगा और पूरे हिंदुस्तान में आयुष की पैथी को लोग आज अपना रहे, ये बहुत खुशी की बात है। और ये क्या है आज लोग जानने लगे। जो पुराने हमारे बुजुर्ग थे वो उसका उपयोग वैद्य थे, उन्होंने उसको जीवित रखा और इसलिए आज इसका जो बड़ा आदमी हम देख रहे हैं, तो एक चिंगारी उन्होंने रखी थी इसकी आज बड़ी ज्वाला बन गई है और ये ज्वाला लोगों को निश्चित तौर से इस आयुष के जरिए लोगों को फिट इंडिया रखने के लिए, निरोगी भारत देखने के लिए ये मदद हो जाएगी। और निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि इसका विस्तार भी अभी हो रहा है। ये कहीं ना कहीं श्रीपद नाइक जी के अंदर बसने वाले योग के खिलाड़ी का अपना कमाल था। एक चीज जो दुनिया कम जानती है श्रीपद जी के बारे में, वो ये कि आपने अलग अलग खेलों में कई गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीते, शूटिंग तक में आपने किया और गोवा शूटिंग फेडरेशन के आप एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। तो एक खिलाड़ी फिर राजनेता, कैसे मैनेज करते हैं ये स्वभाव में जो कुछ है। ये खिलाड़ी वृत्ति ही सबसे बढ़िया वृत्ति है, हम बोलते हैं ना खिलाड़ी, सब में खिलाड़ी वृत्ति आनी चाहिए। ये सबके ऊपर उपाय कि ये स्पोर्ट जो है आदमी को एक सच्चा नागरिक बना देता है। जो अच्छे गुण है वो स्पोर्ट्स में ऐसे ही मिलते हैं, सभी के साथ चलना, डिसिप्लिन में जाना, दूसरे को मदद करना, ये सब उसमें खेल में मिलते हैं। समाज में जीना कैसे वो खेल सिखाता है। और ये बचपन से मैं तरह तरह के जो लोकली कबड्डी थी, वॉलीबॉल था, मैं उसमें खेलता था और ये करते करते मैं एथलेटिक्स भी था, मैं एक एथलेटिक्स क्लब का भी अध्यक्ष था यहाँ पहले, और इसका प्रचार प्रचार हम कर रहे थे और इसका फ़ायदा भी मुझे मिला। मैं जब यहाँ विधायक था तो एक सेवन जो सदन स्टेट है उसका एक स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मीट होता था, हर दो साल में वो होता था। जब विधायक था हमारी एक सीजन की टीम वहाँ गई थी तो वहाँ को 12 मेडल मिले थे, उसमें से 6 मेडल मेरे पर्सनल थे। मैं 400 मीटर रनिंग में मुझे गोल्ड मेडल मिला, मैं स्विमिंग का चैंपियन बन गया, स्विमिंग का गोल्ड मेडल मुझे मिला और इसमें मैंने ऑल टुगेदर 6 मेडल मुझे मिले। ये तो बचपन से इस खेल के बारे में जो कुछ एक अपना ये था वो मुझे आगे कर दिया है। और जो तंदुरुस्त हूँ उसका कारण भी वही है। पिछले 2 साल पहले मेरा एक्सीडेंट भी हुआ, लेकिन इसी के कारण ये जो स्पोर्टिंग स्पिरिट था और जो एक ताकत थी वो उसका उपयोग मुझे इसी में निश्चित तौर से हो गया। ये बड़ी बात है, पूरा देश जानता है कि एक दुखद घटना श्रीपद नाइक जी के साथ हुई और उस दुखद घटना के बाद भी इन्होंने ना सिर्फ परिवार संभाला बल्कि अपने पद और कार्यभार को संभाला। एक गोल्ड मेडल जो इनको मिलना चाहिए, वो गोल्ड मेडल जनता हमेशा देती रही है। जनता इसलिए देती है कि वो अपनी आंखों पर बिठाती है। जब हम बात इससे अलग हटकर करें तो मैं कहीं पढ़ रहा था तो एक शब्द लिखा था कि श्रीपद जी को गायन का भी शौक है और मुझे लगता है कि गाते हुए हमारे इस नेता मंत्री को यहाँ तो हो सकता है लोगों ने सुना हो लेकिन दिल्ली और बाकी देश ने नहीं सुना होगा। तो मैं चाहता हूँ एक लाइन कोई श्रीपद जी की ऐसी गुनगुनाती हुई आए जो आज का बचपन देखे, जो आज का युवा देखे और जो लोग राजनीति में आ रहे हैं उनको पता चले कि खुले मन से जिया कैसे जाता है खेलते हुए और लोगों के लिए समाज की सेवा करते हुए। ये तो हरेक को हरेक का छंद होता है, वो छंद अच्छा हो। और ये गुण जो है हमारे मिट्टी में ही है, गौर के अपने लता मंगेशकर को भी देखा है, बहुत से ऐसे स्टार जो यहाँ के गायक है वो उन्होंने दुनिया को अपना सब कुछ दे दिया गायन के स्वरूप में और हम कुछ ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाए, लेकिन एक क्या बोलते
बोलते हैं तानसेन तो नहीं लेकिन कानसेन तो है, सुनना पसंद करते हैं, बस उतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं। तो एक लाइन कोई जो ऐसा लगता हो जो आप कभी अकेले में होते हो तो गुनगुनाते हो? करते हैं, गुनगुनाते हैं, जो भजन हो या ये हो। ये अलग अलग तरीके का सवाल या, है। या, 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 या। तो अब थोड़ा सा वापस ट्रैक पर लौटते हैं जी, क्योंकि अगर हम गोवा में डबल इंजन सरकार की बात करें जी, तो पहला इंजन आपके पास है, दिल्ली सीधा कनेक्ट करते हैं आप, दूसरा इंजन यहाँ के मौजूदा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी के पास है। तो कैसा लगता है कि डबल इंजन का सपना जो श्रीपद नायक साहब देखते हैं वो जमीन पर आपके यहाँ पर मौजूदा मुख्यमंत्री कितने अच्छे तरीके से उतार पाते हैं? यहाँ ये तो आज जो सरकार चल रही है और आप जो सब कुछ विकास दे रहे हैं देख रहे हैं, ये तो मोदी जी ने जिस तरह से गोवा को मदद की, करोड़ों रुपया यहाँ हाईवे वो बाकी कुछ इंस्टीट्यूशन वो, और तरह तरह के इसमें हेल्थ के व्यवस्था हो, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, मेरा जो मैंने जो आयुष ऑल इंडिया स्टेट आयुष बनवाया, कम से कम 300-325 करोड़ का प्रोजेक्ट आज जो चल रहा है, ऐसा डेवलप ने केंद्र सरकार ने बहुत मदद की, और वो मदद हो सकती है लेकिन वो मदद ठीक तरह से करने वाला भी हाथ यहाँ चाहिए, वो प्रमोद जी यहाँ है, कर रहे, अच्छा कर रहे हैं, और हम उसको साथ दे रहे हैं सब। इसमें गोवा की जनता को हर तरह की सुविधा जैसे मिले, और गोवा एक एक छोटा सा स्टेट है लेकिन गोवा के वर्ल्ड का एक टूरिज्म सेंटर भी है, हर एक वर्ल्ड का आदमी यहाँ आना चाहता है, तरह तरह के कॉन्फ्रेंस यहाँ होते हैं, ये तो एजुकेशनल भी हब आगे बनने वाला है, हेल्थ हब भी बनने वाला है, इस तरह की कैपेसिटी गोवा में है, और डॉक्टर प्रमोद सावंत अच्छे से संभाल रहे। कल मैं देख रहा था जब 37th नेशनल गेम्स का आगाज हो रहा था, तो पहली बार ऐसा लगा कि गोवा जो है बिल्कुल इंटरनेशनल तरीके से लॉन्चिंग कर रहा है। तो क्या लगता है 37th नेशनल गेम्स के लिए गोवा के अंदर जो मौजूद खिलाड़ी हैं, श्रीपद जी जैसे जो बचपन में खेलते रहे हैं, उनका कितना धमाल रहेगा इस नेशनल गेम? जरूर जरूर, हम एक कह सकते हैं कि हम नेशनल गेम का इंतजार कई सालों से कर रहे थे, लेकिन ऐसे एक एक के बाद एक अड़चने आने लगी, बाद में उसमें कोविड आएगा, तीन साल तो ऐसे ही गए, फिर जब करने का मौका है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा किया है, क्या हुआ है पूरा तैयारी उसकी है, लेकिन अभी गुजरात के चुनाव था इसलिए वो इसके 36th वाली जो नेशनल गेम है गुजरात में हो गई, और उन्होंने वादा किया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि अगले आप करो, वैसा उन्होंने हमको दे दिया है, मैं उनका आभारी हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ जिस तरह से एक एक जोश हमारे खिलाड़ियों में, हमारे ऑर्गेनाइजर में है कि हम गोवा छोटा हो लेकिन इस बढ़िया से बड़ी नेशनल गेम्स में करके दिखाएंगे, और यही हौसले से हम आगे बढ़ रहे हैं, और निश्चित तौर से इस बार भारत को भी इस अपने गोवा हो या पूरे भारत में, गोवा भी इसमें इंटरनेशनल नेशनल गेम में चमके, ये बड़ी बात है, और यही स्पिरिट शायद गोवा के हर एक उस बीच पर है जिसको देखने के लिए दुनिया तरसती है, भारत का हर गांव यहाँ आना चाहता है, शामिल होता है और देखता है। तो अगली लोकसभा के लिए क्या लगता है, कितने तैयार हैं आप? अच्छा, तैयारी तो हमारा हर रोज का काम है, हम तो आधा दिन लोगों को मिलते हैं, बाकी काम कॉन्स्टिट्यूंसी में काम है। मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से मैंने 4 टर्म्स और ये 5वां टर्म है, वो भी अभी 1 साल के खत्म हुआ, कम से कम 1100-1200 प्रोजेक्ट हमने पूरे किए, जो फाइनेंस मिला था निधि MPLAD फंड मिला था, उसे हर एक पैसों का अपने उपयोग करके गांव में कम्युनिटी हॉल हो, स्मशान भूमि हो यानी क्रिमिटोरियम हो, गरीब स्कूल के लिए बिल्डिंग्स हो, बालवाड़ी हम बोलते हैं ना जिसके लिए वो हो, ये छोटे रास्ते हो, छोटे पुल हो, ऐसे 1100 प्रोजेक्ट हमने पूरे कर दिए हैं, और थोड़े प्रोजेक्ट आने वाले इसमें हो जाएंगे। तो ये काम जो हर विलेज में अपना काम किया हुआ है, और लोग तो चाहते हैं कि ऐसा विकास हो, जैसा MP सांसद
अपने क्षेत्र में इस तरह के विकास कभी उन्होंने देखा नहीं था, वो आज हमें दुआ दे रहे हैं। बड़ी बात है। युवाओं को जो युवा राजनीति में हैं उनको आप क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे, क्योंकि ये श्रीपद जी का जो संदेश है भारत का हर वो गांव सुन रहा है जहां से नेता जन्म ले रहे हैं, क्या उनको क्या बोलेंगे कि क्या ध्यान रखें, क्योंकि आपने शुचिता की राजनीति से लेकर राष्ट्र तक की राजनीति का पूरा एक यात्रा तय किया है। यही तो है, आज राजनीति के बारे में गलत फहमिया है और ये हमने ही तैयार की हुई है। राजनीति यानी भ्रष्टाचार का आदर, राजनीति यानी सब अपना ये अपना एजेंडा आगे करने का ये है, फैमिली राज का ये है, ऐसा एक अपप्रचार हो रहा है और वो भी कहीं कहीं हुआ भी है। हम हर रोज युवाओं को कहते हैं कि राजनीति बुरी नहीं है, बुरी तो हम लोगों ने की हुई है, और इसलिए अच्छे लोग राजनीति में निस्वार्थ भाव से आए। राजनीति ऐसा एक शस्त्र है जो दुधारी बोलते हैं, दोनों तरफ से एक अच्छा इस राजनीति का अच्छा उपयोग किया तो समाज का भला हो सकता है, देश का भला हो सकता है, दूसरी ओर उसका उपयोग किया तो देश तबाह हो जाएगा। और इसलिए मैं जो अच्छे संस्कार वाले लोगों को कहता हूँ, राजनीति गंदी नहीं है, अच्छे लोग जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे तो वो तो वैक्यूम भरेगा, बुरे लोगों से भरेगा, तो इससे बेटर अच्छे लोग यहाँ आए और समाज के बारे में देश के बारे में सोचे, देश को ऊंचा देश का सम्मान करने के लिए जो जो कुछ काम हम समाज का करें उससे देश का नाम बढ़ेगा और दुनिया में भारत फिर एक बार विश्वगुरु बनाने के लिए हम सभी को अपील करते हैं कि आए अच्छे लोग राजनीति में आए, अच्छे राजनीति करें और समाज का भला करें, देश का भला करें, यही मेरा सभी युवाओं को सभी को रिक्वेस्ट है। और ये हो सकता है, हमने करके दिखाया, कई लोग हमारे अपने साथ हमारे साथ है, उन्होंने करके दिखाया, कहीं बोल के खाली भाषण नहीं दिया, उसका इम्प्लीमेंटेशन करके अपना अपने कर्तृत्व से समाज का विकास, देश का देश के विकास में अपना अपना छोटा सा शेयर दिया हुआ है। और ये हो सकता है, सभी ने आना है, राजनीति सही करना है, यही मेरा सभी से अपील है। ये बड़ी बात है। श्रीपद नाइक जी, अगर आप इनसे कभी मिलेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि राजनीति का ऐसा चेहरा इतिहास में विरले मिलता है। श्रीपद नाइक जी का यह पूरा का पूरा साक्षात्कार लेते वक्त मैं इनके आसपास के इस आवाभेष में घूम रहा था जहां सीधी सादगी है। सही बात है कि राजनीति तो मंदिर की तरीके से है, पुजारी उस कदर का चाहिए जिसको भक्ति भगवान की करनी है। लोकल न्यूज ऑफ इंडिया से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, खूब खूब धन्यवाद, आप लोग आए और हमें बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।